नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम समझेंगे पीटी फ्यूज के बारे में। पीटी फ्यूज यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पर लगा हुआ 2 एम्पीयर के फ्यूज को कब परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। यदि लो को इनर्जाइज करने की घड़ी में स्क्रीन पर नोड 504 आने के बाद जेड पीटी के द्वारा पेंटो रेज करते हैं, स्क्रीन पर नोड 550 आएगा, पेंटो रेज होगा, परंतु यू मीटर के अंदर कोई चीज सप्लाई नहीं दिखाई देगी। यदि ऐसा संकेत मिल रहा है तो आप देखेंगे डीजे क्लोज करने पर डीजे क्लोज नहीं होगा, LSDJ लैंप लगातार प्रकाशित ही रहेगी और स्क्रीन पर फॉल्ट कोड F0104P1 का फॉल्ट दर्शाएगा, LSFI लैंप ब्लिंक करेगी तथा PPFA प्रकाशित होगा। ऐसी प्रक्रिया चलती हुई गाड़ी में भी हो सकती है। चलती गाड़ी में यदि सेम फॉल्ट कोड कैटरी आउट ऑफ लिमिट के साथ आए, ऐसे में लोको पायलट पीछे की तरफ झांकते हुए पेंटो को डाउन करेगा तथा दोबारा से पेंटो को रेज कर चैटिंग साउंड का आना सुनिश्चित करेगा। यदि पेंटोग्राफ ओची से स्पष्ट नहीं हो रहा है तो दूसरा पेंटोग्राफ रेज कर गाड़ी चलाएं। यदि लोगों की छत पर कुछ खराबी मिले तो TLC और TPC से संपर्क करके आगे की कार्रवाई करें। और यदि पेंटोग्राफ ओची से स्पर्श भी कर रहा है, आर्किंग भी हो रही है, तो आप समझ जाएं पीटी फ्यूज परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर थोड़ा सावधानी से काम लें। सबसे पहले पेंटो को लोअर करें, स्क्रीन पर 504 नोट का आना सुनिश्चित करें, साथ ही पीछे देखकर पेंटो का लोअर होना भी सुनिश्चित करने के बाद अब हम SB पैनल की तरफ जाएंगे। SB पैनल को खोलकर नीचे की तरफ आपको 3 PT फ्यूज दिखाई देंगे, जिसमें एक पर वायर कनेक्शन बना रहेगा। वायर कनेक्शन वाला ही मेन PT फ्यूज है जिसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये मेन वायर वाले पीटी फ्यूज को सॉकेट से दिखाए अनुसार निकालेंगे। इस पर देखेंगे आपको लाल कलर का टिप दिखाई दे रहा है। इस टिप से RSI पर लगे हुए टेल फ्यूज की तरह एक छोटा सा पिंजर बाहर निकलेगा। बाहर निकलने पर आपको मालूम पड़ेगा कि ये फ्यूज मेल्ट हो गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा संभव भी है कि पिंजर बाहर ना निकले और फ्यूज मेल्ट हो जाए। इसलिए लोको पायलट को अनिवार्य रूप से एक बार फ्यूज परिवर्तन करके देख लेना चाहिए। यदि फ्यूज चेंज करने से सफलता प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब निकाला फ्यूज मेल्ट हो गया है। आइए अब कैब में चलते हैं। कैब में जाने के बाद देखेंगे कि स्क्रीन पर नोड 504 है। 504 नोड देखने के बाद जेड पीटी को प्रेस करेंगे, स्क्रीन पर 550 नोड आना सुनिश्चित करेंगे। 550 नोड आने के साथ ही आप देखेंगे यू मीटर के अंदर अब ओची सप्लाई आ गई है। आगे DJ क्लोज करें, गाड़ी वर्क करें। धन्यवाद।